बचपन से अभी तक मतलब बुराई एक्सपीरियंस क्या है? बचपन से बुरा एक्सपीरियंस बोले तो मैं जब छोटी थी तब से ही, जैसे कि मेरा थोड़ा जैसे कि मेरा बिहेवियर हमेशा लड़की जैसा था, तो मुझे स्कूल में भी बहुत प्रॉब्लम्स होता था। याद तक कि स्कूल लाइफ को बहुत मिस करते हैं हम लोग, लेकिन मैं बोलती छुटकारा मिला मुझे मुझे तो मेरा सबसे गंदा बीता स्कूल लाइफ। हमको तो इतना हिंदी नहीं आता है ना, थोड़ा थोड़ा हाँ, बोलेगा। जो आता है वही। पेट का प्रॉब्लम था, मेरा पात्र हुआ था, तो उसका इरादा गलत था। गलत था हाँ, वो अभी मुझे बता ये दो। पूछ रहा है तुम लड़का है लड़की, लेकिन मैं इसको बोला सच तो बोल देना पड़ेगा ना। तो मैं लड़का हूँ लेकिन मेरा शूटिंग था इसलिए ये ड्रेस पहन के आए। तो वो ऊपर में क्या लगा हुआ है ये पूछ रहा है, वही गंदे बातें ऐसे कर रहा है। तो इसको मेरे मोबाइल से माथे पे मार दिया, तो वो बाइक स्लो हो गया और मैं गिर पड़ी। तो फोन इसीलिए ये लगाता मेरा वहाँ यहाँ पे देख सकते इंसान हैं। है, ये हाँ, इंसान है गंदा ये लाइफ में आदमी, कभी, ने मेरा इंसान ऐसे कर ये दिया, शायद लाइफ में कभी भूलेगा नहीं ना। भूलेगा नहीं। अच्छा, हम तो मतलब शादी नहीं करेगा। हिजड़ा को मेरे हिजड़ा बोलते उसको, लेकिन नहीं लगता, चुभना नहीं था, लेकिन उसको मजाक बना दिया, तभी तो चुभता है ना, हाँ जी, हाँ इस जी, बात है। और हिजड़ा को जो इतना नेगेटिवली देखता, क्यों देखता है ये तो आप लोग के लिए। पहले का टाइम में हिजड़ा पैदा हो गया तो इसको स्कूल में नहीं लेगा, इसको जॉब नहीं देगा, इसको अच्छा से दोस्त का साथ नहीं जाना, तो वो क्या करेगा, ट्रेन में जाके इसे खाता है, तभी तो उसका नेचर ऐसा बना। और नाश्ता हम लोग एक्चुअली हिजड़ा नहीं हाँ इसको भी ऐसा मत बोलो ना, रुको रुको ना, हम करना बोल रहे हैं तो चाहिए। कमेंट करने से भी नहीं करेगा। जय श्री राम कुमरिक सुदुम। हे गाइस, आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ। तो ये कहानी किस तरीके का होने वाला है तो जानने के लिए वीडियो में ही बने रहिए। मैं अकेला नहीं हूँ, मतलब सेलिब्रिटी बोलना पड़ेगा, मेरा दोस्त भी है, मैं इंट्रैक्शन करा लेता हूँ। तो एक एक से तो देखा लो। नमस्कार, मेरा नाम है अनंत ताय और मैं एक यूट्यूबर हूँ और मिसिंग का आर्टिस्ट हूँ। तो आपका नाम भी बता दो। नमस्ते, मेरा नाम है सोनू देवनाथ और मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ और अनंत के साथ वीडियोस में भी काम कर रही हूँ। तो ये ड्यूटी का नाम भी। नमस्ते, मेरा नाम विशाल राय और मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और आई एम बॉय। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लुक है। पास्ता मोनोन तो से पूछता हूँ क्योंकि उससे मैं जानता भी हूँ, उससे मैं प्यार से बेबी भी बोलता हूँ। तो फर्स्ट टाइम तो आप तीनों का मतलब फ्रेंडशिप कैसा हुआ, कहाँ मिला? मैंने जिम में आया था। क्या हुआ कि अनंत भी जिम आ रही थी, मैं भी जिम गई थी न्यू लिवर्स से, तो वहाँ अनंत के साथ मेरी मुलाकात हो गई है। तो मैं देख रही ये इसका और मेरा जो बात है बहुत मिलता जुलता सा है, तो फ्रेंडशिप कर लो, मैं ये भी फ्रेंडशिप करना चाह रही थी लेकिन वो नहीं बोल रही थी, मैं भी नहीं, फिर ऐसे करके हम दोनों ने बात कर लिया, तो फ्रेंडशिप हो गई हम दोनों की। तो फिर इसने क्या किया, विशाल को कॉल किया और मैं क्या, विशाल को मैं पहले से जानती हूँ लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये विशाल को बुला रही है। तो वो कह रही कि मेरे दोस्त है यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट है, मैं उसे बुला लूँ। तो मैंने कहा ठीक है बुला लो। तब जब ये आया तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बोली ये तो मेरा फ्रेंड है। अच्छा, तो ऐसे हम लोग का मुलाकात हो गया। तो क्या चाहता है पब्लिक से, क्योंकि आप लोगों को कोई थाना मारने वाला भी बहुत होगा, है कि नहीं? क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ा है, सबका मतलब मन चैन नहीं है, सबका हाथ चैन नहीं है, है कि नहीं? मतलब आपका जो मतलब बचपन से अभी तक मतलब बुराई एक्सपीरियंस क्या है? बचपन से बुरा एक्सपीरियंस बोले तो मैं जब छोटी थी तब से ही, जैसे कि मेरा थोड़ा जैसे कि मेरा बिहेवियर हमेशा लड़की जैसा था, तो मुझे स्कूल में भी बहुत प्रॉब्लम्स होता था। याद तक कि टीचर को अगर मैं कंप्लेन करूँ, टीचर भी उल्टा शिकायत कि तुम अच्छे से लड़के जैसे बोलो। इस चीज़ के लिए मैं जब भी प्रॉब्लम्स होता था छोटा मोटा स्कूल में, मैं कंप्लेन तक नहीं कर झेलती थी हमेशा। और लोग तो बोलते कि ना, जैसे कि हम लोग का यहाँ पे तो मैट्रिक के बाद कॉलेज जाते हैं, तो स्कूल लाइफ को बहुत मिस करते हैं हम लोग, लेकिन मैं बोलती छुटकारा मिला मुझे मुझे तो मेरा सबसे गंदा बीता स्कूल लाइफ, मतलब हर जगह से स्कूल लाइफ। जब मैं यहाँ पे स्टडी कर रही थी ना, तब ज़्यादा जब मैं क्लास 8 से मैं चली गई हॉस्टल, तो वहाँ पे मेरा सबसे ही था ये चीज प्रॉब्लम होता है। जब कभी हम निकल के जाते कहीं पे तो वहाँ पे 10 जन से 7 जन अच्छा बोले, 3 जन तो बुरा बोलने के लिए है ही नहीं। तो अभी विशाल जी से पूछता हूँ, क्योंकि अभी आप एक लड़का हो के मतलब लड़की का ड्रेस पहन के जब निकल के जाता है, और प्लस आप मेकअप आर्टिस्ट भी है कि नहीं? मतलब मेकअप तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियां ही करता है, तो उस टाइम पे आपका मतलब क्या फीडबैक आता है उस टाइम पे, लोग क्या फीडबैक? अभी तो वो लोग मेरे सामने कुछ नहीं बोलते हैं, पहले बहुत बोलता था वो लोग,
और अभी भी कोई कोई बोलता है, लेकिन मेरे सामने तो नहीं बोलते, पीछे 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 तो बहुत बोलते हैं कि लड़का हो कि कैसे लड़की का जैसा क्यों बिहेव करता है, कुछ प्रॉब्लम है क्या बॉडी में, कुछ डॉक्टर दिखाओ या कुछ। वो लोग मुझसे नहीं पूछता है क्योंकि वो लोग तो पता है मैं आंसर उन लोगों को अच्छे से दे पाऊंगा मतलब। तो वो लोग मेरे मम्मी को पूछता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं किया, डॉक्टर दिखाओ और सब। तो अभी वो लोग का भी क्या समझा कि ये तो एक नेचुरल है ना, वही बात है, तो ये सब तो प्रॉब्लम होता ही है। तो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बेबी जो है ना वो मतलब मिसिंग पे वीडियो बनाता है। हाँ। और मिसिंग पे वो जो एपिसोड सिस्टम इसका सीरियल आता है ना, तो वो मिसिंग पे बनाता है। अभी आप लोग भी ज्वाइन हुआ है, तो आप लोगों को मतलब कैसे अंडरस्टैंडिंग होता है उसका बारे में? मैं बोलूँ तो मिसिंग लैंग्वेज भी मुझे 100% 30% में समझ भी लेती हूँ, बोल भी लेती हूँ। हाँ, और ऐसे बोल बोल के जैसे कि हम जब वीडियो शूट करते हैं तो ये वो मुझे बोलते हैं तुम्हें ये लाइन बोलना है, तो मैं 2-3 बार ना ऐसे रिपीट करती हूँ, लेकिन जब शूट होता है मैं उल्टा पुल्टा बोल, प्रोनाउंसिएशन में तो गलत हो जाता है ऐसे करके। इसलिए क्या हो जाता है कि न्यूली ना, तो जैसे कि मैं जाता थे तो मैं असामिस लड़की ही मतलब बन जाती हूँ, मैं असामिस से बोलती हूँ, मुझे भी इतना नहीं आता है, मिसिंग नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ बहुत मतलब 100% से 8% ही मुझे आता है, बोलने आता है और समझ में आता है, बाकी तो नहीं इतना नहीं आता। तो आनंद तो मतलब पहले हम लोगों को असमिस में ट्रांसलेशन करके बोलती है कि ये इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, तो हम लोग वो सब करते करके उसका एक्सप्रेशन टेस्ट से देने से अच्छा दिखेगा तो सोच के मतलब होता है। और अभी तो क्या हो गया कि जब हम आनंद थोड़ा दूर है ना इस तरह, हम दोनों हमेशा साथ में इकट्ठे होते हैं, मेरे घर में आती है, मैं भी बोलती हूँ आप आ जाओ, तो हम दोनों साथ में मिसिंग में बात करते हैं आपस में। तो अभी आने वाला मतलब आप लोग ऐसे कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेगा ना, ना बीच में छोड़ देगा? नहीं, अभी तो कंटिन्यू बनाऊंगी, अभी ये और मैं शायद एक असमी साउंड पे वीडियोस बनाने की सोच रही हूँ। अच्छा, आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, पढ़ाई करती हूँ। साइंस में या आर्ट्स में? कॉमर्स में। एग्जाम चल रहा है ना? ना खत्म हो गया? नहीं चल रहा है, कल एग्जाम है मेरा। अच्छा, तो डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैं? नहीं नहीं नहीं, एग्जाम के पहले पढ़ूंगी ऐसा तो होता ही नहीं है, पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ता है ना। तो बेबी का बारे में मैं एक बार सुना था, तो मतलब जो आपका एक बार एक हादसा हुआ था ना, उसका बारे में जानना चाहता हूँ। हमको तो इतना हिंदी नहीं आता है ना, थोड़ा थोड़ा बोलेगा। जो आता है वही बोलो, लेकिन नहीं वही समझने के लिए। एक शूटिंग था, मेरा ना एक शूटिंग था जो दिन में हुआ था, लेकिन दिन में ऐसे ही शूटिंग चला, अच्छे से चला, लेकिन रात में जब मेरा कुछ पेट का प्रॉब्लम था, मेरा पात्र हुआ था रात में ना, तो हम लोग पार्टी किया था, दिन में तो शूटिंग हुआ, लेकिन रात में मेरा एक पेट में मेरा दर्द हुआ था, पात्र था वो ब्लॉक हो गया यूरिन में, तो मेरा पेशाब करने लगा, लेकिन पेशाब किया तो ब्लॉक हो गया, तो मैंने मेरा फ्रेंड था ना असम पावर लेंजिंग, इसको मैंने जोर से इस लोगों को बुलाया जो मेरा फ्रेंड था, वो लोग आ गया, लेकिन मेरा दर्द कम नहीं हुआ था, तो रात में 10:30-11 बजे था, तो कोई गाड़ी भी नहीं मिला था, कोई ऑटो भी नहीं मिला था, तो इस लोगों ने मुझे ले जा रहा है, लेकिन पैदल में तो एक आदमी ने आया और इसको हेल्प मांगा, वो मेरा फ्रेंड लेंजिंग ने, इसको रुका भैया रुको, इसको कुछ हो रहा है, डॉक्टर जाना पड़ेगा, कोई तो हेल्प करो, तो वो रुक गया, तो मैं भी दर्द में इसका बाइक में उठा लिया, तो वो भैया मुझे लेके जा रहा है, मैं ये लग रही हूँ मुझे डॉक्टर में ले जा रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं वो मुझे कहाँ लेके जा रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि इनको तो गाड़ी वगैरह मिला नहीं था ना, तो इसके फ्रेंड के साथ ये पैदल जा रही थी, लेकिन इसको बहुत दर्द हो रहा था, इसको स्टोन हो गया था ना इसीलिए, तो क्या हो गया, वो जो जिस इंसान को रोका था तो उसको बोला ऐसा ऐसा बात थी, तो वो उससे बोला बैठो, ये बैठ गई, तो उससे लगा कि डॉक्टर के पास शायद ले जा रहा है वो, लेकिन वो कहीं और ही ले, इसको लड़की समझ लिया एक, तो मतलब उसका इरादा गलत था। वो मुझे ये पूछ रहा है तुम लड़का है लड़की, लेकिन मैं इसको बोला सच बोल देना पड़ेगा ना, तो मैं लड़का हूँ, लेकिन मेरा शूटिंग था इसलिए ये ड्रेस पहन के आए, तो वो ऊपर में क्या लगा हुआ है ये पूछ रहा है, कोई गंदे बातें ऐसे कर रहा है, तो मैं समझ गया ये इस आदमी में इरादा अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है ये समझ गया, तो मैं भैया रुको मुझे ये मतलब समझ गए कि ये इंसान सही है, तो मेरे रोक तो मुझे गिरा दो, मैंने बोला भैया रोको रोको गाड़ी रोको, मुझे उतरना है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, इसका मैं समझ गया इसका इरादा अच्छा नहीं है, इसीलिए ऐसे समझ से वो तो लेके जा रहे, इतने वो बाइक है ना इतना पका रहा है, खुद खुद ऐसे, तो हमको लगा
हम तो बोल रहा है ना तू रखा दो रख दो ऐसे, तो वो नहीं रखा है, इसका इरादा गलत है। तो मैंने मोबाइल से, मेरा भी गुच्छा हो गया ना, सही गुच्छा हो गया ना, तो इसको मैंने मोबाइल से माथे पे मार दिया, तो वो बाइक स्लो हो गया और मैं गिर पड़ा। एक बार क्या हुआ था ना, मेरे को ये रास नहीं होता रास्ते, मेला जाने के लिए तैयार होके गई थी मैं, तो हमेशा ऐसे रहती हूँ, तो वहां से आ रही थी तो दो लड़का आया पीछे पीछे ना, तो मतलब वो बोला कि आई मीन आप चलो ना हमारे साथ। मैंने कि मैंने क्यों जाना तेरे साथ, ऐसे बोल के मैं आ गई। वो मैं गेट तक आ गया, मैं अंदर चली गई जाके बाल भी कॉम वगैरह करके मैं बाहर आई ना, तो मेरे गेट के बाहर ना लाइट नहीं था, मतलब रस्ते में एकदम रोड साइड घर है मेरा, तो वो लोग ना स्मोकिंग कर रहे थे, तो अंधेरा में देखना स्मोकिंग का जो वो आगे वाला पार्ट चलता होता है, तो दो चल रहा है, तो अंदर मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे इकट्ठे जाने वाले थे, तो मैंने कही कि गोलू तुम देखना दो लड़के पीछे करते, वो शायद मैं जा रही हूँ बाहर, तुम उसके बाद आना। तो मैं जब गई तो मैंने कुछ कही नहीं पहले, तो उन्होंने देख लिया दो लड़के, तो बोले मैडम मैडम, हम बोले हाँ जी, तो बोला चलोगे क्या हमारे साथ, मैंने कही हाँ चलना है, कहाँ जाना है, तो बोला कि हम चलो कहीं घूमने जाएंगे, तुम्हें क्या चाहिए हम देंगे, मैंने तुम क्या दोगे, तुम जितना दोगे ना उतना मैं एक बार मेकअप करके धो देती हूँ, मैंने ऐसे कही, तो उनको लगा मैं लाइन दे रही हूँ शायद, तो गई ना बाइक में, एक बैठा था पीछे, एक चलाया हुआ इंसान ऐसे तो बैठ गया, मैंने लात मारा ना तो ये क्या हुआ, पीछे वाला भाग गया, और मैं उसको पकड़ने जाऊँ तो वो भी भागेगा, तो इसको पकड़ लिया, फिर मेरा हिल बनी से खूब पिटाई किया उसको, पिटाई करके कान पकड़ के उठक बैठक करा, फिर छोड़ा उसको, वही हुआ था, और ऐसा कुछ वही नहीं मिला। तो बुरा मत मानना, एक बात पूछूंगा, मतलब आप लोग का आपका मतलब फीलिंग कैसा होता है, जैसे कि हम लोग सभी का फीलिंग अलग अलग होता है ना, आप लोगों का फीलिंग कैसा होता है? हम लोगों का फीलिंग ऐसा मतलब है, जैसे हम लोग तो एक बॉय है ठीक है, बट हम लोग का फीलिंग जो है ना एक गर्ल्स की तरह है, मतलब एक लड़की का तरह है हम लोगों का फीलिंग्स, तो ऐसा बॉडी सिर्फ बॉय है लेकिन जो अंदर के जो फीलिंग्स है तो वो गर्ल एक लड़की का तरह है, तो वो मतलब अभी हम लोगों को भी पता चलता है, ये अगर मतलब नॉर्मल जो इंसान होता है ना स्ट्रेट वो लोग होता है उन लोगों को इतना पता नहीं चलता है, लेकिन हर कोई नहीं होता, किसी किसी को तो पता चलता है, लेकिन जिसको पता नहीं चलता है ये फीलिंग्स का जो कनेक्शन है ये जिसको मतलब समझ में नहीं आता है, तो उन लोगों को समझाने में बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोगों को, क्योंकि ये फीलिंग्स तो वही समझेगा जिसको जिसका पास ये सब फीलिंग्स है वही समझेगा, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वही थोड़ा समझना चाहिए कि क्योंकि आजकल तो बहुत चेंज हो रहा है ना जी, बहुत अपडेट भी हो रहा है, लेकिन हर जगह अपडेट नहीं हुआ है, किसी किसी जगह में भी ऐसा है कि अभी भी ये सब चीज़ें मतलब सोचता है कि बहुत ख़राब होगा फ्यूचर में, शादी क्या नहीं करने से कैसे चलेगा, क्या बोलता है इसको, शादी नहीं करने से फ्यूचर में कौन साथ में रहेगा, कौन देखेगा, ऐसा बहुत, क्योंकि जो जो इंसान रहता है ना मैच्योर, जो हम लोग का पेरेंट्स रहता है वो लोग भी सोचता है ऐसा, क्योंकि वो लोग भी ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं इसको, एनवायरमेंट से वो लोग भी बड़ा हुआ है तो ना, तो इसलिए वो लोग भी सोचता है कि जब बुढ़ापा होगा जब फ्यूचर में तब कौन साथ में रहेगा, तो मैं ये सोचता हूँ मतलब ऐसा है, ऐसा भी तो है जो शादी करके भी किसी का ऐसा होता है रिलेशन नहीं टिकता है, और ऐसा होता है कि डिवोर्स हो जाता है किसी किसी का, तो किसी किसी का हस्बैंड कुछ प्रॉब्लम होता है, तो मैं सोचता वो तो सब ऊपर वाला का हाथ में, फ्यूचर में कौन साथ में रहेगा, कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा, अभी वो सब अगर अभी सोचने से कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला का ही हाथ है, वो लोग अगर फ्यूचर में कौन साथ में देगा वो सबका मतलब ऊपर वाला करके रखेगा, तो अभी वो सब सोच के तो अभी हम लोग का मतलब फीलिंग्स को कैसे चेंज कर दे, वही बात है, तो ये सब बात उन लोगों को समझ मतलब समझने की कोशिश करना चाहिए, ये सब खराब नहीं है, ये सब नेचुरल है, कोई मतलब आर्टिफिशियल नहीं है कि कुछ मशीन घुसा दिया अंदर तो हम लोग लड़की की तरह हो गया, कोई मशीन हटा दिया तो लड़का जैसा हो जाएगा, कुछ मेडिसिन लेने से लड़का टाइप का हो जाएगा, ये नहीं चेंज नहीं होगा, ये फीलिंग्स है, कोई बोलने से भी नहीं चेंज होगा, आप लोग जितना बोलो, आप लोग पीठ पीछे जितना भी बोलो तभी ये चेंज नहीं होगा, ये तो नॉर्मल है वही है, और मैं वही सोचता हूँ कि सब ऊपर वाला के हाथ में, अगर वो लोग अगर ऐसा लिख के रखा कि मेरा किस्मत में कि फ्यूचर में मुझे ये होना पड़ेगा, बाद में ये कौन मेरा साथ रहेगा, वो सब उनका पास ही है, ये कोई बोल के मतलब चेंज नहीं कर पाएगा, या मैं भी नहीं चेंज नहीं कर पाऊँगा कि अभी मैं शादी कर लेता हूँ तो चलो ऐसे फीलिंग्स नहीं है फिर भी शादी कर लेता हूँ, वाइफ को ऐसे रख देता हूँ फिर ऐसे, वो तो अच्छा नहीं होगा ना, वो लड़की का उसका फ्यूचर भी खराब हो जाएगा, मेरा भी खराब हो जाएगा, वही बात है।
जैसे कि अभी हम लोग फीलिंग होता है ना, जैसे कि मैं शादी करने का मन, मेरा बच्चा होगा, बेटी होगा, ऐसा हम लोग कभी फीलिंग फील करता है कि मेरा एक्चुअली क्या है, आजकल मैंने देख लिया कि बहुत जगह जैसे कि जो ट्रांसवुमेन होते हैं ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन अपना करा दे सर्जरी थ्रू टेक्स में, तो ऐसे बहुत सारे जो शादी करके भी खुश है, अच्छा जिंदगी जी रहे, या तो क्या भी है कि कोई कोई सर्जरी नहीं करा के भी है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहला बात है कि बॉन्डिंग स्ट्रांग होना, और मैं ये सोचती नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि शादी करूँगी, मैंने कभी सोची नहीं है। आई थिंक कोई अगर हो तो ऑब्वियसली जब मेरा सर्जरी हो कर भी सकती हूँ, और ये मतलब जैसे खुद कुछ कर लूँगी, अगर शादी नहीं भी, प्यारी सी बच्ची को अडॉप्ट करूँगी, उसको अच्छा मॉडल बनाऊंगा, उसे पढ़ाऊंगी, वही है सब कुछ। ये नहीं कि हम शादी कर लिए हमें एक ताज हासिल हो गया, मतलब हमें ये मिल जाएगा, बिल्डिंग मिल, ऐसा थोड़ी नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है। शादी करने सॉल्यूशन नहीं है, मतलब आपका अभी उम्र कम है, मतलब बोलेगा तो आप तो प्लस टू पढ़ाई कर रहा है ना, तो आपका आप दोनों का तो अभी मान लो उम्र थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब आप इसका फीलिंग और आप दोनों का फीलिंग थोड़ा सा, मतलब इसका बात बोलेगा तो डिफरेंस है। मेरा क्या है ना, मुझे कोई कुछ बोल देना, मैं मतलब इनको इतना समझता नहीं, मैं पटक से आंसर दे देती हूँ, मतलब गुस्सा ज्यादा आ जाता है, ऐसा है, इनको समझाता चुप रहना है। आपसे पूछता मतलब इन फ्यूचर आप शादी करेगा कि नहीं, हाँ वो तो जानना पड़ेगा ना पब्लिक के लिए। हाँ बता दो शादी तो मतलब हम तो शादी नहीं करेगा। आप शादी करेगा कि नहीं? शादी ऐसा है, अभी तो मैं शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचता हूँ, और ऐसा है मैं ये सोचता हूँ कि अगर अभी तो मुझे मेरा वो फीलिंग्स नहीं है शादी करने का, फीलिंग्स मेरा बॉडी में नहीं है वो, और अगर मैं ये भी सोचता हूँ अगर मैं फैमिली का प्रेशर से अगर शादी में करना भी नहीं चाहता, क्योंकि उन लोगों को प्रेशर से अगर किसी लड़की को मैं शादी कर लूँगा, फिर उस मतलब वो तो रिलेशन बॉन्डिंग अच्छा नहीं होगा ना, फिर उसका भी लाइफ बर्बाद हो गया, मेरा भी बर्बाद होगा, तो इससे अच्छा है कि मतलब मुझे वो शादी नहीं करने से ज़्यादा अच्छा है। तो और मेरा जो मम्मी है वो ज़्यादा मुझे शादी के बारे में प्रेशर भी नहीं देता, क्योंकि उनको पता है ये सब चीज़ें, उनको पता है, उनको मैं बोल के रखा हूँ, और मैं ऐसा देखा है हम लोगों को समाज में ही देखा है, ऐसा लड़का भी है जो इसी लाइन में रहता है, ठीक है, लेकिन वो लोग समाज के डर से, फैमिली मेंबर के डर से ना वो लोग बोलता नहीं, हम लोग जिसे खुल के बोलते हैं ना, मतलब किसी को हम लोग अगर हम लोग ये सोचता है कि हम लोग तो राइट साइड में है तो क्यों हम लोग डरेगा। लेकिन मैंने ये, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा भी है कि वो लोग, उन लोगों को ये पता है कि वो लोग ये फीलिंग उन लोगों के पास भी है, लेकिन वो लोग मतलब किसी को खोल के बोल नहीं पाता है। तो मैंने ऐसा देखा, वो लोग शादी भी किया, लेकिन शादी करने के बाद क्या हुआ, अभी ना उन लोगों का रिलेशन टिकता नहीं है, एक साल, दो साल, तीन साल जाएगा, यहाँ तक 10 साल भी जाता है, लेकिन वो मतलब एक स्ट्रेट इंसान का जैसा उन लोगों का रिलेशन टिकता नहीं है। नहीं तो वाइफ का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, हस्बैंड का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, ऐसे रहेगा बाद में उन लोगों का क्या होता है, डिवोर्स हो जाता है या कुछ हो जाता है। तो वो ये चीज़, ये सब चीज़ को करना नहीं चाहिए, पहले एक डिसाइड होना चाहिए, मतलब समाज को दिखाऊंगा एक फीलिंग्स दिखाऊंगा, एक पर्सनल में कुछ और रखूंगा, ऐसा होने से सबका लाइफ बर्बाद हो जाता है। अच्छा, आपका काम का बारे में अभी जान लेता हूँ, मतलब मेकअप करने जाता है ना, उस टाइम पे आप मतलब उस फीडबैक करने के बाद फीडबैक क्या आता है आपका? मेरा मेकअप करने के बाद फीडबैक, एक्चुअली अभी तक तो ऐसा कुछ खराब फीडबैक नहीं आया, अच्छा फीडबैक ही आया है, और अच्छा ही आया है। कभी कभी, और कभी कभी ऐसा होता है, काम तो ये सब तो काम है ना, कभी कभी ऊपर नीचे तो होती रहता है, लेकिन बहुत खराब फीडबैक नहीं आया, क्योंकि ऐसा है ये मेकअप की, मेकअप तो मैंने थोड़ा सा सीखा था, लेकिन ये तो गॉड गिफ्ट है ना, अगर जिसका पास गॉड गिफ्ट नहीं रहने से, तो जितना भी सीख लो, 1 ईयर 2 ईयर जितना भी सीख लेने से ना, वो इतना क्लियरिटी नहीं आएगा, अगर गॉड गिफ्ट थोड़ा सा होने से ना, वो थोड़ा सीखने से ना आइडिया उसको पता चल जाता है। तो अभी तक फीडबैक इतना खराब कभी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही है, ये तो सबका होता है। ऑलरेडी देख सकता है, मतलब अभी जो आप लोग मेकअप करके आए ना, ये किसी से करवाया या कुछ किया है? हम लोग खुद ही करते हैं। अच्छा, जो ये वीडियो देखने के बाद कोई मतलब आपसे मेकअप कराना चाहता है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर पाएगा? जी, वो मेरा पेज है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, उसमें विशाल राय मेकअप आर्टिस्ट बोल के है इंस्टाग्राम में, और फेसबुक में भी है, ये विशाल राय बोल के है, तो इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब जो अभी आप लोगों का जैसा ही है ना, मतलब इस दुनिया तो बहुत बड़ा है, तो उनसे आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे कि आप लोग अभी डरता नहीं है, क्योंकि नहीं मतलब ये मेरा जिंदगी है, जीना है तो जीना है, मरना है तो मरना है, मतलब किसी से डर के नहीं जी रहा है अभी, इसलिए आप लोग बिंदास से बोल पा रहा है, क्योंकि नहीं ऐसा भी तो डरा हुआ बहुत चारा होगा ना दुनिया में, तो उनसे आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर ये आप कह डरे हुए होते हैं, डरे हुए तो होंगे, अगर वो बताए जैसे एक लड़का लड़की जैसा पेश आ रहा है, तो उसके घर से तो बहुत प्रेशर है, बाहर से भी प्रेशर है, मार्केट जाएगा तो दुकानदार भी उसको देखेगा, अरे ये तो लड़की से चल रहा है,
एक सामान खरीदने के लिए 10 बार सोचेगा दुकान में जाने के लिए। ऐसा मेरा साथ भी पहले होता था। अभी मतलब इन लोगों को क्या होता है ना कि बाहर के लोग जो भी बोले, अगर मेरा घर पे ऐसा बच्चा है ना तो मेरे को सपोर्ट करना है। अगर कोई मेरे को बोला आपका बच्चा ऐसा कि, तो मुझे बोला मेरा बच्चा जैसा भी है मेरा है, इसको मैं इसी तरीके से मैं अच्छा बनाऊंगा, है ना। मतलब इसको दूसरा का बात सुन के दबाव नहीं डालना, तो ऐसे में बच्चा ना सक्सेस नहीं हो पाता, डिप्रेशन में आ जाता है, लोगों से घुलना मिलना तो बहुत ही मुश्किल। इसलिए मैं क्या करी, बचपन से लड़की जैसी थी तो मैं लड़की जैसी रहूंगी, तो मुझे कोई बोलेगा भी नहीं। इसलिए अभी तो मैं फ्रीडम भी चलती फिरती, कोई भी बोलता ही नहीं। और ऐसा मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि ऐसा है ना, लोगों का जो बात होता है वो मैं खुद तो लोगों का बात सुनता ही नहीं हूँ, और दूसरों को भी ये बोलूंगा कि ये लोगों का जो बात है ये क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, ये तो कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि लोग तो बोलेंगे, लोग तो यही बोलने के लिए। क्या है ना, पहले क्या हुआ था, मेरा बाल अभी तो जो मैंने बाल लगाया ये वीक है, तो इन लोगों तो रियल हेयर है, लेकिन मेरा वीक है, रियल है, लेकिन मेरा वीक सच में रियल है। अच्छा रियल है, तो सुनिए ना क्या हुआ था। पहले मेरा भी ऐसा बहुत लंबा था, बहुत लंबा हेयर था, तो सब लोग मुझे बोलता है तुम्हारा हेयर छोटा होने से ज्यादा अच्छा लगा लगता है मतलब। फिर मैंने एक बार क्या किया, हेयर कट कर दिया। देखो तो अभी क्या बोलते, अभी बोलते कि हेयर लॉन्ग होने से ज्यादा अच्छा था, लॉन्ग करो ना फिर से ऐसा। फिर वो बोलता अभी क्यों पतला हो गया, तो उसमें प्रॉब्लम। फिर थोड़ा मोटा होने से, ज्यादा मोटा हो गया थोड़ा पतला होने से, लेकिन वो मस्त लगता, पतला होने से फिर ज्यादा पतला हो गया, कुछ टेंशन नहीं किया। तो अभी सबका डिमांड रखते 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 खुद ना गायब हो जाऊंगा। आपको ना मैं एक सलाह देता हूँ, आप किसी का भी मत चुनो, ये जिंदगी आपका है। पता क्या हो गया, लोग बोलेंगे ये बात जिसने कही ये सबसे गलत है, लोग बोलेंगे तो क्या हो गया, बोलने दो, बोलेंगे क्या होगा, क्या मेरा लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे तो कुछ होगा क्या, कुछ तो नहीं होता, ये चीज को मतलब माइंड से निकालो। वही मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो भी बोलता है इसको ये कान से सुन के ये कान से बाहर करो, ये चीज करो कि ऐसा काम करो कि किसी का बुरा ना हो, किसी का घर ना टूटे, किसी घर का बीबी और हस्बैंड का अलग ना हो जाए, ऐसा काम करो। वैसे काम में आग दो ना, वही तो अपना बच्चा नशा करके परा रहता है, कुछ फेस्टिवल हो तो नशा करके मार्केट, वो सबको संभालो भाई, ये चीज करो काम का काम। ऐसे बेबी जी क्या पहना है, वो क्या बाल में, ये तो देखने का काम नहीं है। अभी अगर हम लोग कहीं पे निकलने से, कहीं पे प्रोग्राम में जाने से, हम लोग कभी भी कहीं पे नशा करके गिरे पड़े ऐसा नहीं रहेंगे, या कहीं पे मतलब बहुत झगड़ा मार ऐसा कभी हम लोगों को कभी किसी केस में नहीं मिलेगा कि ऐसा फीलिंग्स वाला लड़का मतलब ऐसा कुछ झगड़ा किया है। लेकिन स्ट्रेट जो जो इंसान हो रहता है ना, कुछ माइंडसेट ऐसा रहता है कि कहीं पे प्रोग्राम में जाके मारपीट करेगा, नशा करेगा, तो वो लोग तो अलग ही होता है, हम लोग तो ऐसा नहीं करते। तो ये चीज को इतना अनसपोर्टेड क्यों है, सपोर्ट करना चाहिए ना, वही भी हम लोग अगर, बुरा और ये भी मैं कहूँगी, अगर आप लोग ये समझते नहीं हो ना, कोई को समझ तो आप इसको नहीं समझ के बोलना नहीं चाहिए। अगर हमें जिस चीज के बारे नॉलेज नहीं है तो हम उल्टा पुल्टा उसके बारे में बोल के कोई फायदा तो नहीं है। अगर मुझे इसके बारे में पता है तभी मैं बोलूंगी, तो इनको अगर इन चीज के बारे में पता नहीं सीडी क्या है, क्रॉस ड्रेसर क्या, तो उससे बेहतर कि बोलो ही ना। और जो है ना, जो हिजरा जो वर्ड है, एक्चुअली ये वर्ड खराब वर्ड नहीं है, ये एक अच्छा वर्ड है। जैसे ना हम लोग शिव पूजा करते हैं ना, अर्धेश्वर ना, अर्धनागेश्वर, तो उनका एक साइड लड़की का होता है, एक साइड माँ पार्वती का होता है, एक साइड माँ पार्वती का होता है, एक साइड शिव जी का होता है। तो वो चीज को हम लोग पूजा करते हैं। असम में नहीं, असम में कहीं कहीं पे होता है और ज्यादा होता है, क्या बोलते हैं इसको, साउथ इंडिया में होता है, वेस्ट बंगाल केरला साइड में होता है, साउथ इंडियन साइड में होता है, तो उस चीज को हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, सब लोग ना वो हिजरा वर्ड को ना गाली में वो लोग कन्वर्ट कर लिया। एक्चुअली ये गाली नहीं है, ये तो अच्छा वर्ड है, ये तो हम लोग को पता है कि ये वर्ड वो लोग गाली से ही बोल रहे हैं, लेकिन ये वर्ड खराब नहीं है, अच्छा वर्ड है। मतलब क्या बात हो गया ना, जैसे हम लोग लड़का सिटी क्रॉस ड्रेसर ना अभी, तो हम लोग का मतलब ये क्या हो जाए, मैं बोल रही हूँ जैसे लड़का, जैसे पुरुष महिला ऐसे हिजरा बोल के बोला जाता है, तो जो हिजरा लोग है इन इस वर्ड को मतलब लोगों ने बिगाड़ दिया। अभी एक लड़का को ए लड़की जा रहा है, तो ये आदमी तो अच्छा से सोचता है, लड़की को तो लड़की बोलेगा, तो हिजरा को भी अगर हिजरा बोलते तो उसको लेकिन नहीं लग रहा, चुभना नहीं था, लेकिन उसको मजाक बना दिया, तभी तो चुभता है ना, इस बात है। और हिजरा को जो इतना नेगेटिवली देखता, क्यों देखता है, ये तो आप लोग के लिए, पहले का टाइम में हिजरा पैदा हो गया तो इसको स्कूल में नहीं लेगा, इसको जॉब नहीं देगा, इसको अच्छा से दोस्त का साथ नहीं जाना, तो वो क्या करेगा, ट्रेन में जाके इसे खाता है, तभी तो उसका नेचर ऐसा बना, नाचता है, कोई कोई बदतमीजी भी करता है, मजबूरी में रहते रहते हो गया, तो ये चीज ना सोसाइटी के लिए होता है। हिजरा में भी बहुत मतलब वो होता है, हम लोग एक्चुअली हिजरा नहीं है। हाँ। इसको भी ऐसा मत बोलो ना, रुको रुको ना,
आपका मन में जो है ना वो शेयर कर सकता है क्योंकि सभी को पता चलेगा ना, तो आप पब्लिक के लिए क्या कहना चाहोगे जो आप लोगों को बोलता है ना हिजरा है ये है वो है बोल के उसका बारे में? हिजरा एक्चुअली ऐसा है, हम लोग हिजरा नहीं है, ठीक है, पहले बात ये है, ये है। और एक हिजरा कभी भी जन्म से हिजरा नहीं रहता है, वो नॉर्मल लड़का ही होता है। तो उसका फीलिंग्स किसी का बहुत थोड़ा कम होता है, किसी का बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होता है, वो हार्मोन थोड़ा बहुत ऐसा होता है। वो अगर ये सब बोलने जाओ तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, और एक दिन किसी वीडियो में ये हार्मोन क्या क्यों ज़्यादा किसका कम क्यों कम है वो सब डिस्कस करेंगे। आज शॉर्टकट में बोलता हूँ थोड़ा सा, कोई कोई मतलब लड़का नॉर्मल जब वो जन्म होता है तो कोई मतलब जन्म से हिजरा नहीं होता है, तो कोई वो लोग सर्जरी करते हैं तब वो लोग मतलब जब घर पे सपोर्ट नहीं करता है तो वो हिजरा का एक समाज रहता है, तो वो समाज में जाकर वो लोग मतलब वहाँ पे ज्वाइन हो जाता है, तब उन लोगों का पहचान हिजरा हो जाता है मजबूरी में। एक्चुअली हिजरा ऐसा मतलब जन्म से कोई नहीं होता है, किसी का फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होता है तो वो लोग घर पे सपोर्ट नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो वो लोग हिजरा समाज में ज्वाइन हो जाता है, उसके बाद वो लोग हिजरा मतलब उन लोगों को हिजरा बोला जाता है, कोई ऑप्शन नहीं होता है जी, और तो वो लोग सर्जरी हो जाता है उन लोगों का। और कोई कोई ऐसा है कि जैसे हम लोग अभी मतलब ट्रांसफॉर्मिंग लुक करने में ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, जैसे ये तो हर टाइम मतलब फीमेल ही रहता है मेकअप, फीमेल मैं खुद को फीमेल बोल के और सब फीमेल बोल के सबको पता है, मेरी बहन भी मुझे दीप लगती है कि सीटी मीन्स की क्रॉस ड्रेसर, तो वही बोलते हैं क्रॉस ड्रेसर, जैसे कि मेल बॉडी में ये फीमेल ड्रेस तो क्रॉस हो गया ना, इसका मतलब है सीटी, तो हमें अभी हम लोग सीटी ही है, बट मैं तो फीमेल ही सोचती हूं फ्यूचर में मतलब वो है, इंटरेस्ट है। अच्छा तो गाइस मतलब वो लोग क्या चाहता है तो आप लोगों को पता चल गया। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वो लोग को भी रेस्पेक्ट दे ताकि जहाँ पे भी जाए आप लोग ही। तो गाइस मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये लोग भी इंचानी है, हम लोग का जैसा इंचानी है, आप लोग मतलब वो लोग बाहर में जाने से भी गलत कॉमेंट ना करें, और वीडियो में भी वीडियो बना के अपलोड करते हैं, इंस्टा रील फेसबुक यूट्यूब आजकल तो ये सब ट्रेंडिंग है, वहाँ पे भी वीडियो बनाता है, लड़की ड्रेस पहन के बनाता है, फिर भी आप लोग गलत चलत कॉमेंट ना करें, आप लोग सपोर्ट कीजिए और मेरा चैनल के लिए कुछ लाइक, इस भैया का चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। हाँ थैंक यू, तो आपको बोलना चाहूंगी हम सब, बिकॉज आप आए, आप हमारे इंटरव्यू तक भी हम अपने दिल का बात जो हम बता सके, और ये बात हम ऐसे किसी डिस्कस करने से हम तक ही रहना था, अभी आप सबको पता चलेगा, सबको पता चलेगा, तो आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आप आए। थैंक यू सो मच। मैं ये जो हम लोग इंटरव्यू ले रहा है ना ये भैया लोगों के साथ, इसका ये होटल का नाम है पागोर बोलता है, ये सिलापोटर पे है, इसका जो एड्रेस है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहाँ पे देख सकता है, इसको मैं साइट में भी स्क्रीन का साइट में भी लगाऊंगा, और मैं लास्ट में बोलता हूँ मेरा साथ ये लोग भी बोलेगा जय हिंद जय भारत जय श्री राम।